क्यों नहीं उठा रही है? स्वर्ण भवन, सब ठीक तो है ना बेटा? क्या बात है बेटा, तुम्हारी तुम्हारी सांस क्यों फूल रही है? आभा तुम ठीक तो हो ना बेटा? पिताजी, हमने हमने देखा ना, खाने का रास्ता देखा, दरवाजा भी देखा। बड़ी तस्वीर है, उसके पीछे रास्ता है। आज अमावस की रात है, उस बुरी शक्ति की ताकत और भी बढ़ जाएगी। तुम्हें उस दरवाजे से दूर रहना चाहिए। सुना सुना बेटा, हम आ रहे हैं बस। वो बक्सा कहाँ गया? देखा आभा, मुझे इस घर में आए 2 दिन नहीं हुए और मैंने तुम्हें तुम्हारे ही कमरे से निकाल दिया। कचरे की तरह एक भी चीज नहीं रहेगी आभा की इस कमरे में, और बहुत जल्द मैं तुम्हें इस घर से भी बाहर निकाल दूंगी। ये किसकी चाबी है और मेरे ड्रॉअर में क्या कर रही है? हम कहीं नहीं जाएंगे। तुम्हें क्या लग रहा है, सिर्फ तुम्हें तकलीफ हो रही है इस बात से? मुझे तकलीफ नहीं हो रही आभा, जरा सोचो, तुम सिर्फ मुझसे अलग रहोगी। मेरी तकलीफ है कि मैं तुमसे और आने वाली गुड़िया से अलग रहूं। लेकिन ये जरूरी है, मैं नहीं चाहता हूं कि तुम्हें इस हालत में कुछ भी हो। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, प्लीज। कुछ ही दिनों की बात है, देर हो जाएगी, सब वेट कर रहे होंगे। पर करण, शली भाभी, माँ, सबको मैं समझा दूंगा, किसी की फिक्र मत करो। एक मिनट ना। आभा इतनी रात गई कहाँ जा रही है, वो भी बैग लेकर? खैर चलो, मेरे लिए तो अच्छा ही है, मुसीबत कुछ दिनों के लिए टल गई। इसके पीछे से मैं उस चाबी को ढूंढकर तहखाने का राज भी आसानी से पता कर सकती हूँ। हम
जा रहा है, वो आत्मा चाहती क्या है हम बेटियों से? ऐसा क्या हुआ है जो हमारी दुश्मन बन बैठी है? अब कैसे बताएं आभा को कि कौन है वसुंधरा? हमारी ही वजह से स्वर्ण भवन की बेटियों को जान का खतरा, हमारी वजह से ठाकुर खानदान की बेटी होने की सजा हमारी हमारी बेकसूर बेटी को मिल रही है। मैं हो सके तो माफ कर देना बेटा। नहीं पिताजी, ये आप क्या कह रहे हैं? माफ पिता पिताजी, हम आपकी बेटी हैं, इस परिवार का हिस्सा है हम, इस परिवार की नियति जुड़ी है हमसे, हमें आपकी बेटी होने पर या इस परिवार का अंश होने पर कभी कोई शिकायत नहीं रही है। आपकी बेटी होने पर हमें गर्व है और हमेशा गर्व रहेगा। क्या बातें चल रही हैं? कौन सी गलती की बात कर रहे हैं ठाकुर साहब? और आप अब किस मुसीबत का सामना करेगी?